ये पहली वीडियो होने वाली है इस तरीके की इस चैनल के ऊपर, जिसमें मैं गाने का रिव्यू करने वाला हूँ। कसम से मैं करना नहीं चाहता था, बट क्या करूँ यार, मजबूर कर दिया। आपने बहुत सारे ऐसे गाने सुने होंगे जिसमें, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक गाना ऐसा होता है कि जिसे आपको देखकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। एक गाने कुछ ऐसे होते हैं जिसमें देखकर आप बहुत ज़्यादा रोमांस से भर जाते हो। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं, और कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें आपका मन, मतलब आपके अंदर गुस्सा भर जाता है और आपका मन करता है कि जिसने भी ये गाना गाया है उसके थप्पेड़ मारूं मुंह पे, और इरिटेट कर देते हैं ऐसे गाने। और इसी कैटेगरी में आता है ये कुर्ता पजामा गाना, जिसे गाया है टोनी कक्कड़ ने। जब मैंने सुबह उठकर यूट्यूब खोला तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना ट्रेंडिंग पे जाकर देखें कि क्या चीज़ ट्रेंड में चल रही है। तो नंबर 1 ट्रेंड पे कर रहा था ये गाना। मुझे लगा यार कि टिकटॉक जब बैन हो गया है तो टोनी कक्कड़ अब गाने नहीं निकालेगा, क्योंकि अब उसके गानों पर मुजरा करने वाले तो रहे नहीं, तो वो प्रमोशन कैसे करेगा। इस वाहियात गाने में सिर्फ एक ही लिरिक्स है, कुर्ता पजामा काला काला काला। मतलब क्या है यार, मैं तुमको समझाता हूँ ये लिखा इन्होंने कैसे। मैं सोच रहा था यार इतना जबरदस्त दिमाग इन्होंने कैसे लगाया। तो इनकी जो पूरी टीम है वो सुबह सुबह एक साथ हगने जाती है। तो ये जब हगने गए तो इनको हगते हुए एक हगा हुआ एक आइडिया आया, और उस आइडिया में ये गाना था। और ऊपर से भारत की जनता है ही बड़ी महान, वो हगी हुई चीजों को कुछ ज्यादा ही पसंद करती है, और उन्होंने इस गाने को ला दिया ट्रेंडिंग पे। देखो टोनी भैया, कुछ समझदार लोगों से बात किया करो, वो यही कहेंगे कि भाई बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। तो उनकी बातों को सीरियस लो और गाना बंद कर दो यार, कम से कम जनता पे तो रहम खाओ। और एक बात, ये अलग अलग स्टाइल करने से भले ही तुम कूल ड्यूड और मॉडर्न लग सकते हो, लेकिन कौवा कभी अलाप करने से कोयल तो नहीं बन जाता ना, और ये चीजें तुम पे लागू होती हैं। साले सुबह सुबह मूड खराब कर दिया यार, ये गाना सुनने के बाद मेरा लिटरली मन किया कि खुद को गोली मार लूं। तुम्हें लग रहा है मुझे अच्छा लगेगा? हाउ इज दिस सपोज टू मेक मी फील बेटर? दिमाग खराब है यार तुम्हारा, 10 बातें बोल सकते थे, ये क्या बात हुई बोलने की? How do you think this is going to make me feel better? How was this supposed to make me feel better? Do you have any idea how much this hurts, man? Do you have any idea how much this hurts? Do you know this how much it hurts? खत्म करो यार ये। बट नहीं यार, फिर सोचा यार गाना मैंने थोड़ा ना गाया जब मैं अपने आप को गोली मारूं। टोनी भैया टिकटॉक बैन हो गया तो प्लीज रहम करो हम पे, और अपने आप को भी बैन करो। वैसे टोनी भैया को अच्छे से पता और इसके मेकर्स को अच्छे से पता है कि ये जो गाना है वो टट्टी है, और इस गाने पर व्यूज कैसे लाएं इस चीज को लेकर इन्होंने एक कमाल की चीज चली, गाने में ले आए एक लड़की, और जनता तो हावस की भूखी है, वो बस लड़की देखते तो वहां पहुंच जाएंगे। और देखो टोनी भैया, तुम्हें ये बात पता है या नहीं पता, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो अपने कमेंट बॉक्स जरूर पढ़ा करो, उसमें ना चीजें लिखी होती हैं, बहुत सारे लोगों ने वहां पे चीजें क्लियरली लिखी होती हैं, और उसको सीरियसली लो और गाना गाना बंद कर दो। और एक चीज और, कुत्ता पालो बिल्ली पालो बट वहम मत पालो, क्योंकि वहम जब पालते हैं ना गालियां बहुत पड़ती हैं। और यार ये कोई गाना है क्या यार, क्या क्या सोच कर तुमने अपलोड करा यार, ये हगे हुए भी हग दिया यार तुम लोगों ने। खैर बस आज के लिए इतना ही था यार, मुझे कसम से ये गाना सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मतलब सिर्फ एक लाइन के ऊपर पूरा गाना बना सकता है कोई इंसान, क्या काबिलियत है यार, क्या टैलेंट है, कमाल का सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग इसको। चलो बस बहुत था आज के लिए, इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।